छत्रपति संभाजी महाराज, आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं उनके पराक्रम के बारे में आप सभी के लिए पद्य पवाड़ा पेश कर रही हूँ। यह पद्य पवाड़ा शायर योगेश जी ने लिखा है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। छोटी सी सेना के बल पर लाखों से जो टकराया, मरते दम तक स्वराज्य सीमा देश की रक्षा कर पाया। श्री शुभा के युद्ध नीति पे मार्ग पर जो चलता था, है दुनिया में कोई ऐसा जैसा शंभू राजा था। जब औरंगजेब ने शंभू महाराज को संगमेश्वर में कैद किया, तब औरंगजेब बोला, चल बन जा मुसलमान, मैं तुझे दक्खन की जागीर दूंगा। पर शंभू बोला, अरे हट, किसे चाहिए तेरी जागीरी, मुझे तो अपना देश धर्म प्राणों से भी प्यारा है। तब औरंगजेब ने शंभू महाराज के बहुत बुरे हाल किए, हाथ पैर तोड़े, जीभ काटी, आंखें निकाली, और इस तरह शंभू अपने देश और धर्म के लिए शहीद हो गया। तेज पुंज तेजस्वी आँखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य सपना तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के, धैर्य मार्ग से हटा नहीं, हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म तो छुटा नहीं। जुहा काटी खून भाया, धर्म सौदा किया नहीं, शिवाजी का ही बेटा था, गलत राह पर चला नहीं। रामकृष्णशाली वाहन के पत से विचलित हुआ नहीं, गर्व से हिंदू कहने में कभी किसी से डरा नहीं। वर्ष 331 बीते शंभू के बलिदान को, कौन जीता कौन हारा बताओ औरंगजेब या शंभू, पूछ लो संसार को। कोटि कोटि कंठों में तेरा आज गौरव गान है, अमर शंभु तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है। भारत माँ के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था, है दुनिया में कोई ऐसा जैसा शंभू राजा था। सागर में पानी कितना है नाप न कोई पाया है, दो प्रहर के सूर्य तेज को देख न कोई पाया है, अग्निशालक का मुट्ठियों में पकड़ न कोई पाया है, वैसे शेर शिवा का छावा जीत न कोई पाया है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।